अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज जो वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है, वो है कोस्टर। लेकिन उससे पहले शर्त ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। और मैंने और फिर मुझे कमेंट्स करें कि आपको क्या सीखना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा मैं इंशाल्लाह वो चीज़ को फोकस करके वो बनाऊंगी। और आप लोगों का जब तक मेरे साथ साथ नहीं होगा, ठीक है, ये तो लोग पैसे लेके फिर सिखा रहे हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इस चैनल पे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर दें, ठीक है। ये हैं कोस्टर, ठीक है, ये कोस्टर्स हैं, ठीक है, ये हैं कोस्टर। आज कोस्टर के मोल्ड हैं ये वाले, ठीक है। जो आज शेप बनानी है वो कोस्टर का ये शेप है, ठीक है, ये वाले। ये 4 कोस्टर्स बनाएंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। उससे पहले हमने रेजन लेना है, एक हार्डनर होता है, ठीक है, इसके ऊपर मेंशन होता है, और एक रेजन होता है, ठीक है। ये 2 हैं, आज मैंने ज़रा छोटी वाली बोतल्स इस्तेमाल की हैं। ये हार्डनर हमने पहले लेना होता है, ठीक है। इसकी मिक्सिंग मैंने आपको बताई थी, ये इसका रेशो हमने 1% अगर लेना है तो रेजन का रेशो हमने 2% लेना होता है, ठीक है। अब मैं इसको ऑन कर लूँगी वेट मशीन को, ठीक है। इसमें मैं जितना मुझे मिकदार चाहिए मैंने उतनी लेनी है। ठीक है, ये मैंने 50 ले लिया है, तो 50 का ज़ाहिर बात है 50 का डबल जो होगा रेशो, क्योंकि ये 1% है तो वो 2% लेना है, ठीक है। तो ये 2% अगर लेंगे तो वो 50 लिया है, तो ये ज़ाहिर बात है 100 लेंगे हम। ये कुल मिला के 150 के करीब हो जाएगा। ये जो रेजन है ये अगर इसका जो रेशो है इसका रेशो नहीं बढ़ाते, अगर बढ़ाना भी हो तो 1-2 पॉइंट इसके बढ़ा लेते हैं हार्डनर के, ठीक है। ये अब मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया 1 पॉइंट, तो मैं इसमें 2% करके उसको कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है, ये कर दिया। अच्छा जी, आज कोस्टर बहुत सिंपल से आपको सिखाने के लिए मैंने दिमाग में मैंने सोचा है कि कौन से आखिर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं पेटल्स ली हैं गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है। दूसरा मैंने फॉइल पेपर लिया है, ये 2 किस्म के फॉइल पेपर हैं मेरे, ठीक है। और मैंने इसमें पहले से ही डाल लिए थे ताकि टाइम बचत हो जाए, ठीक है। अब हमने इसको हिलाना है, मैंने आपको तरीका बताया था, इसको पहले तकरीबन 10 मिनट तक इसको हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। जी अब ये मिक्सिंग भी मैंने कर ली है और 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट भी करवा दिया, ठीक है। और इसके जो बबल्स आए हुए होते हैं वो इस तरह भी ख़त्म किए जा सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे के अंदर, ठीक है, ये ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है। बकाया हम कोस्टर मोल्ड के अंदर डाल के ब्रस्ट कर लेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अब मैंने फॉइल पेपर आपको दोनों दिखा दिए थे, ये मैंने कप के अंदर डाल लिए, टाइम की बचत हो जाती है इस तरह, ठीक है। अब मैं डालूंगी, एक में मुझे सिल्वर चाहिए और एक में मुझे गोल्डन चाहिए, ठीक है। ये
ये हम लोगों ने इसमें फॉइल पेपर डाल ली है, अब ज़रा इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए और इक्वली आ जाए। कोस्टर के मोल्ड के अंदर जब हम डालेंगे तो वो इक्वली आ जाए। ठीक है, ये हो गया है और इसके अंदर भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए था फॉइल पेपर, थोड़ा सा ही यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जहाँ आपको समझ ना लग रही हो या कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं लाजमी। ठीक है, ये अब हम डाल देंगे और उसके बाद हम पेटल्स भी इस पर जगह जगह डाल देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पेश आएगी। सबसे पहले हम गोल्डन कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब हम इसको में पोरिंग कर लेंगे। ठीक है, इक्वली डाल लेना आपने इसमें। ठीक है, ये हमारा यहाँ गोल्डन वाला फॉइल वाला हमने डाल लिया। जहाँ हमें बड़ा बड़ा लगे कि बड़ा है साइज, उसमें हम ऐसे स्टिक की मदद से ज़रा कट कर लेंगे। ठीक है, और अब इसके किनारों तक पहुँचाना है ताकि ये मोल्ड के अच्छे तरीके से किनारों तक भी चला जाए और प्रॉपर एक अच्छी शेप में निकले। ठीक है, और इसी तरह इस वाले पे भी कर लेंगे ये। ठीक है, ये ठीक है। अब हम सिल्वर को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हैं दोनों। अब हम इसमें भी पोरिंग कर लेंगे इसकी। ठीक है, ये थर्ड जो लास्ट वाला था इसमें भी हमने डाल दिया। कप को हमने अच्छे तरीके से ऐसे साफ करके वो भी डाल लेना है। पाँच मिनट के बाद दोबारा हम लोग इसमें भी डाल सकते हैं। अब इसमें भी हमने वही करना है कि इसके शेप जहाँ जहाँ जैसे है उसके अंदर अच्छे तरीके से उसको स्टिक को लेके जाना है, रेजन को कहीं पे रह ना जाए। ठीक है, इसी तरीके से इसको कहीं हमें फील हो रहा है कि कम है फॉइल, ये जो फॉइल पेपर डाला है हम लोगों ने ये कहीं कम है तो उसको भी हमने स्टिक की मदद से ही इधर उधर स्प्रेड कर लेना। ठीक है, अब मुझे ज़रा हाथ से ग्लव्स उतारने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलें। अब ये जो पेटल्स हैं इसको हमने स्टिक की मदद से एक एक करके इधर पेस्ट करते जाना है रिजन के अंदर। ठीक है, मैं कलर देख के कर रही हूँ कि कौन सा कलर जिसके साथ मैच हो रहा है ना वही रेजन के अंदर पेटल को मैं डिप कर दूँ। ठीक है, ये अच्छे तरीके से इसको अंदर आपने डिप कर देना है। ठीक है, अब ये वाले लाइट से पिंक हैं, उनको मैंने देख के ये वाला कर दिया। ठीक है,
ठीक है, ये ऐसे अपनी मर्जी है, जितने भी आप पेटल्स डालना चाहते हैं या रोज ही डालना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद हम ये फ्लेम गन का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मकसद ये होता है कि ये रेजन है, केमिकल है, इसके आपस में रिएक्शन की वजह से बबल्स बनते हैं। उस रिएक्शन को, बबल्स जो बनते हैं, उस बबल्स को हमने ब्रस्ट करना होता है। ठीक है, वो जब ज़ाहरी बात है जब ड्राई होते हैं तो वो होल की सूरत में बन जाते हैं और वो बड़े बुरे लगते हैं। ठीक है, वरना ये एक रेजन जो है वो एक शीशे की तरह का इफ़ेक्ट देता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे शीशा है ना। तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देखें तो मैंने इससे कितना कुछ बनाया है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है जो जो आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह के भी काम हो जाते हैं रेजन के बीच में। ठीक है, ये अगर आप चाह रहे हैं कि ये पेटल्स कम हैं तो हम इसको पेटल्स को ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी देख रही थी कि मेरी पेटल्स जो हैं वो जितनी भी मैंने ड्राई खुद की हुई थी, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको ड्राई करने का क्या तरीका है। ठीक है, घर में कैसे कर सकते हैं, बाहर से अगर परचेज करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। और मेरा जहाँ तक चैनल बनाने का मकसद है कि आपको कोई चीज़ भी इतनी महंगी ना पड़े सिवाय एक केमिकल के। ठीक है, ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे आप देखते जाएंगे। मैं घर के अंदर से ही चीज़ें निकाल निकाल के आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं रेजन के बीच में। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो वहाँ पे आप इसको। ठीक है, बाकी इधर दरमियान में भी लेके जा सकते हैं, साइड्स पे भी लेके जा सकते हैं, आपकी अपना है। लेकिन इसको अच्छे तरीके से आपने, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इसमें पोरिंग करूँगी क्लियर कोट की, तो क्लियर कोट भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। अगर आपको मसला हुआ कि भी क्लियर कोट क्या होता है, तो वो आप ये सेकंड वाली इसकी वीडियो देख लीजिएगा, तो वो भी आप पर वजाहत हो जाएगी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने अंदर कर देना है, रेजन के बीच में चला जाए, जिधर से इसकी शेप डार्क कलर की नज़र आई है मुझे, मैंने इसको उधर वाली साइड से कर दिए। ठीक है, ये अब मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसके जो रेजन के अंदर आए हुए ब्रस्ट हैं वो मैंने इसको ब्रेक करना है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब उसके लिए मैं ये फ्लेम गन इस्तेमाल करूँगी। ये मैं सब चीज़ें ज़्यादातर इंस्टा के पेज से भी मंगवाती हूँ, जो चीज़ें मुझे चाहिए दराज से भी मंगवाती हूँ, एक ही दफ़ा मंगवानी पड़ेगी, बार बार नहीं, काफ़ी देर चल जाती है हर चीज़। ये देखें, ये देखें कैसे ब्रस्ट हो रहे हैं। अब आपने इसको इस जगह से हिलाना नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये अब मैं इसमें ब्रस्ट कर रही हूँ तो आपको दिखेगा जैसे एक, जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं ज़मीन पे। ठीक है, और वैसे
एक मिनट इधर ये देखें, थोड़ी देर स्टे दे दीजिएगा, फिर एक आधी दफ़ा इसको दोबारा से फ्लेम को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि आपका ये जो भी क्राफ्ट बने वो बिल्कुल सही वाला बने, ठीक है। और इंशाल्लाह ये मैंने आपको सारा प्रोसीजर सिखाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे, मेरे चैनल को पसंद करेंगे और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो कुछ आप सीखना चाहते हैं वो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें, और जितना ज़्यादा सारी बंदियाँ मुझे बताएंगी कि भी हम ये चीज़ सीखना चाहते हैं वो मैं आपको वही कुछ सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।